नमस्ते, टेरेस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बिहार की फेमस दाल पूरी बनाएंगे। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ एक कप चना का दाल लिया था, जिसे मैंने 6 घंटे पानी में भिंगो के रखा और उसके बाद उसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। आटा, अदरक, हरी मिर्च, अदरक और हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, नमक और तेल लिया है। सबसे पहले कुकर में हम दाल डालेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप दाल के लिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। कुकर के ढक्कन को बंद करेंगे और इसमें 1 सीटी आने तक इसे तेज फ्लेम पर रखेंगे। अब फ्लेम को कम करेंगे और इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक दाल पक रही है, हम इसके लिए आटा गूंथ लेंगे। इसके लिए कटोरे में हम आटा डालेंगे, इसमें स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका नरम आटा गूंथेंगे। इसे ढक देंगे और इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसे बनते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसका सीटी निकल गया है। अब हम इसके ढक्कन को खोलेंगे। देखिए दाल कितने अच्छे से पक गया है। इससे ज्यादा इसे ना ही गलाना है और ना ही कड़ा रखना है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसमें 1 चम्मच जीरा, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। इसे 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसमें दाल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला का पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट पकाएंगे। देखिए दाल कढ़ाई के पेंटी को छोड़ने लगा है। इसे हमें यहाँ इतना ही पकाना है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसे 10 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा हो जाने के बाद यह और भी ज्यादा सूख गया है। अब हम आटे के गोले बनाएंगे। इस पर सूखा आटा लगाएंगे और इसे इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए इसके बीच में हम होल बनाएंगे। इसमें अब हम ये मसाला भरेंगे और इसके मुंह को बंद कर देंगे। इसी तरह हम बाकी के भी आटा में मसाला भर लेंगे। कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें हम इसे डालेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। अगर हम इसे तेज फ्लेम पर पकाएंगे तो यह ऊपर से तुरंत पक जाएगा, लेकिन यह अंदर से कच्चा ही रहेगा, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। इसे पलट देंगे और इसे दोनों तरफ से सुनहरे रंग होने तक पकाएंगे। इसे अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म बिहार की फेमस दलपूरी तैयार है। धन्यवाद।